कबाब 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 वो भी मलाई वाले जो हैं सीख की आपके सामने लेकर आई मलाई सीख कबाब किस तरह से बनाएंगे तो सबसे पहले आपने एक पैन लेना है पैन के अंदर आपने शामिल कर देना ऑयल दो टेबल स्पून इस टाइम पे शामिल करेंगे और उसके अंदर जो है आपने काजू ले लेने हैं ये पांच शद मैंने काजू लिए हैं उसके बाद जो है आपने काजू के साथ ही आपने इसके अंदर दो से तीन हरी मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर शामिल कर देनी है हरी मिर्चें शामिल करके फिर इसके अंदर जो है आप एक दरमिया साइज का प्याज जो है वो ले लीजिएगा उसको स्लाइस करके इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज हरी मिर्चें और सारे तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से जो है वो थोड़ा सा इनका सौते कर लेना है जब तक इनका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता और लाइट गोल्डन नहीं हो जाता और जो प्याज है उसका पानी ड्राई नहीं हो जाता जब प्याज का कलर चेंज हो जाए और अच्छा से खुशबू आने लगे और देख सकते हैं अच्छे से इनको रोस्ट कर लेना है तीनों चीज़ों को कलर भी आप देख सकते हैं काजू भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है और उसके अलावा जो सारी हरी मिर्ची हैं उनका कलर भी अच्छे से आ गया तो इसके बाद आपने क्या करना है इसको अच्छे से जी कुक करना है दो से तीन मिनट उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है किसी भी प्लेट पर और प्लेट पर इसको निकाल लीजिएगा और ठंडा कर लीजिएगा चाहे तो आप जैसे ठंडा करने के बाद आपने इसको जी ग्राइंडर में डालना है और ग्राइंड कर लेना है और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है जो कि बाद में यूज़ होगा उसी उसके बाद उसी पैन के अंदर आपने जो है थोड़ा सा ऑयल लेना है और ऑयल के अंदर अपने हिसाब से जो है इसको आपने इसके अंदर जो है कबाब जैसे सीख वॉक की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है मैं रेसिपी को आपके लिए वीडियो के एंड पे भी डाल दूंगी आप देख लीजिएगा क्लिक कर लीजिएगा आपको नज़र आ जाएगा आप बस टाइटल पर क्लिक करेंगे तो सीख वॉक की रेसिपी मिल जाएगी मैंने फ्रेश अभी बनाए हैं तो आप देख लीजिएगा किस तरह से मैंने बनाए थे तो मज़ेदार मटन के ये सीख कबाब हैं जो मेरे चैनल अभी अभी अपलोड हुए थे दो तीन दिन पहले तो आपके सामने मैंने उसी को यूज करते हुए क्या किया है कि मैंने उसको जो अच्छे से फ्राई कर लिया है जो एक साइड से हो गए तो दूसरे साइड टर्न कर ली तो ये मटन के सीख कबाब हैं तो अच्छे से सॉफ्ट से ये बन चुके हैं बिल्कुल जब इनका अच्छे से कलर आ जाए तो इनको एक तरफ कर लेंगे और निकाल लेंगे उसके बाद आपने इसी पैन के अंदर आपने जो घी शामिल करना है हाफ कप और हाफ कप ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर अदरक लहसन का पेस्ट वन टेबल स्पून यानी हाफ ऑफ जो है वो आपने हाफ ऑफ जो टेबल स्पून है वो आपने ले लेना अदरक लहसन का पेस्ट फ्रेश लीजिएगा ठीक है उसके बाद अच्छे से कूट लीजिएगा दोनों को आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं दोनों को उसके बाद आपने अच्छे से जो है इसका पेस्ट शामिल किया और उसको अच्छे से जो बुनाई की अच्छे से भूनने के बाद जो मसाला ग्राइंड किया था मैंने शुरू में आज जो आपने को, आपने जो ऐड किया था प्याज उसके बाद हरी मिर्ची और उसके साथ जो आपने ऐड किए थे थोड़े से काजू तो वो मसाला जो ग्राइंड किया हुआ था अच्छे से भुना हुआ वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और मज़ीद इसको एक से दो मिनट इसको अच्छे से भूनना है आपने अच्छे से भून लीजिएगा जब तक अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन तीन से चार मिनट तीन से चार मिनट तक अच्छे से दे हैं प्याज का पानी और उसके अलावा जो हरी मिर्ची हैं इसके अंदर तो प्याज के पानी की वैसे ही अच्छे से देखें अब अच्छे से कुक हो रहा है जब ये अच्छे से कुक होगा तो आपने इसको क्या करना है गाइस अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तो ग्राइंड करते हुए एक दो टेबल स्पून पानी भी ऐड कर दीजिएगा उस बाद ग्राइंड कर लगे उस इस बात उसके अंदर सीजनिंग ऐड करेंगे नमक ऐड कर रही हूँ मैं वन टी स्पून उसके बाद जी ये धनिया पाउडर है सब्ज़ धनिया पाउडर वन टी स्पून उसके बाद जो है जीरा जो है वो भुना हुआ वन टी स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जीरा जो है वो इसके सफ़ेद वाला जीरा है ये गाइस वो वन टीस्पून ऐड किया उसके बाद ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला वो भी वन टीस्पून भर का इसके अंदर गरम मसाले का जाएगा ठीक है वाइट वाली एक बिल्कुल मलाई का कढ़ाई है वो भी सीख बा की तो इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा गाइस सो आपने इसको अच्छे से भूनना है मिसालों को ताकि अच्छे से भुनाई हो और उसके बाद एक और चीज़ के अंदर ऐड करनी है वो है जी ये काली मिर्च काली मिर्च इसके अंदर जाएगी और वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब जाएगी अगर ज़्यादा थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर जो है काली मिर्च ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा उसके बाद इसको अच्छे से भूनना है और इसको अच्छे से पकने देना है जब तक कि यह मिसाले के साथ जो है वो अच्छे से जो है पक नहीं जाता इसको तकरीबन मैंने तीन से चार मिनट अच्छे से कुक किया था जब तक ये तीन से चार मिनट अच्छे से कुक हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर जो है अच्छे से इसको भून लेने के बाद देख सकते हैं मसाला जो था अच्छे से भून चुका था और तेल ऊपर आ चुका था जब इस तरह से साइड साइड से जो है वो तेल, वो तेल निकलना शुरू हो जाए तो जो आपने जो है साइड छोड़ना शुरू कर दिया यानी आपका मसाला रेडी है इसके बाद मैं फ्रेश दही जो थी फेंटी हुई और मैंने हाफ कप इसके अंदर ऐड कर दी है दही ऐड करके इसको आपने हर बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और उसके बाद इसको अच्छे से पकाना है आपने ताकि इसकी फिटखड़ियाँ बने और आपकी जो घुटनी वो इसके अंदर जो फिटखड़ियाँ बन जाती

उसके बाद आपने जो है इसको अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से पकाना है और एक से दो मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर जो सीख वाप फ्राई किए थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे सारे के सारे और जी फिर आपने क्या करना है सीख वाप शामिल कर देने के बाद फिर आपने इसको जो है वो याद रहे कि आप जो है वो सीखो आप शामिल करके फिर इसको लो फ्लेम फ्लेम कर दीजिएगा और आपने जो है कुक करने का टाइम भी बताऊंगी कि कुकिंग टाइम कितना चाहिए होगा इसके अंदर और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या जाएंगी इस स्टेज पे तो सिर्फ और सिर्फ आपने अभी क्या करना है इसके बस को आप ऐड करके और ढक्कन लगा कर इसको छोड़ देना है पाँच से दस मिनट छोड़ दीजिएगा पाँच से दस मिनट के बाद अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी दे दे, सकते हैं अच्छे से ग्रेवी रेडी हो गई है और ये अच्छे से कुक हो चुके हैं तो आप इसके अंदर क्रीम शामिल कर देंगे इस स्टेज पर क्रीम जो है दो टेबल स्पून फ्रेश क्रीम है वो जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ क्रीम जो है वो दो टेबल स्पून लीजिएगा और इसके अंदर जो है बलाई ऐड करके आप घर की बनी हुई बलाई भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं टाटरा पैक वाली यूज़ कर रही हूँ गाइस तो दो टेबल स्पून मैंने जो है वो भर कर ली है इसके बाद आपने इसको अच्छे से तो जी पैन को हिलाते हुए चम्मच हल्का चलाई क्योंकि आपने इसके अंदर शीख पाप ऐड की है तो ये टूटने का अच्छा भी रहता है तो आपने जो है इसको अच्छे से जी मिक्स करना है और उसके बाद मिक्स करके इसको तकरीबन मज़ीद तीन से चार मिनट खोने देना है तीन से चार मिनट कोक खोने दीजिएगा लो फ्लेम पर मजेदार सा ये दे सकते हैं मलाई आपके कबाब हांडी रेडी है सीख कबाब तो अब आपने इसको जी अच्छे से किसी प्लेटर में सर्व करना है हरी मिर्चों के साथ प्लेन कट की हुई अदरक के साथ आपने इसको चपाती के साथ इसके अलावा दावतों में मजेदार छाए एक मजेदार सी डिश आपके सामने वीकेंड पर रेडी है तो इसको जरूर बनाएगा फीडबैक दिया करें कमेंट सेक्शन में और एसपीपील चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें ज्यादा लोगों को शेयर किया करें बेलाइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि रोजाना मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और मजे खाने आप घर में बना सके तो सो आपने इसको जरूर इंजॉय करना है और अच्छे से इसे गार्निश करना है और टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है अल्लाह